अस्सलाम वालेकुम जी, आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दश कर रही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से फेफड़े 15 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो याद रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट जब साउथ अफ्रीका में देखा गया तो वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब मरीज हमारे पास आए जिन्हें थकावट थी, सर में दर्द था, PCR टेस्ट किया तो उनमें कोरोना वायरस सामने आया, जब उसकी तहकीक की तो इसको ओमिक्रॉन कहा गया, क्योंकि ये पहले वाले कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट से मुख्तलिफ था। इसके अलावा उन्होंने अभी किसी और नई बात की तस्दीक नहीं की, लिहाजा अभी आप इन सनसनीखेज हेडिंग्स हेडलाइन पे परेशान मत हो, आने वाले 2-4 हफ्तों में मजीद सूरतें वाजी हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ यकीनी है कि एक नया वेरिएंट जब सामने आया है तो उसकी वजह से कोरोना की बीमारी के बढ़ने का खतरा ज़्यादा है। जिस तरह पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों से कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए थे, तो दोबारा इन केसेस के बढ़ने की तवक्को है। तो इस ज़िम्न में जो आप सबके करने वाला काम है वो मास्क का इस्तेमाल दोबारा उसे आप अपनाएं, अपने हाथों को साफ रखें, हजूम वाले जगह पर जाने से गुरेज करें, अपनी वैक्सीनेशन की डोजेस मुकम्मल करें। बस इतनी सी बात है जो आपको करनी है, बाकी मामले अल्लाह के हवाले करें। कोरोना वायरस के वेरियंट ये कोई आना नई बात नहीं है, वायरस के अंदर कुदरती तौर पर तब्दीली होती रहती है और नए से नए वायरस जो है पैदा होते रहते हैं। असल में ये जो नए वायरस भी होते हैं तो उनकी असल बॉडी वही होती है, उनके अंदर छोटी छोटी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम सैमसंग के फ़ोन की बात करते हैं तो पहले S1 आया, फिर S2 आया, फिर S3, फिर S4। इस तरह आईफोन की बात करें तो आईफोन 1, 2, 3, 4, 11 और 12 और इस तरह ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस तरह इंसान की बनाई हुई चीज़ों के अंदर नया से नया मॉडल आता चला जा रहा है, ऐसे ही कुदरत ने जिन वायरसेस को बनाया है उनके अंदर भी नया से नया मॉडल आता चला जा रहा है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है कि नया वेरिएंट आ गया। वेरिएंट तो बनते रहते हैं, आते भी रहते हैं। चूँकि पाकिस्तान की तरह साउथ अफ्रीका में भी पिछले चंद हफ्तों से केसेस बहुत नीचे थे, बहुत कम तादाद में थे, जैसे ही केसेस आना शुरू हुए तो साउथ अफ्रीका की जो मेडिकल की टीम है वो भी हैरान होगी कि ऐसी क्या तब्दीली आई है, ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया है कि कोरोना के केसेस की एकदम तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो जब उनके अंदर ये चीज़ चेक की गई, जब उनके PCR टेस्ट किए गए तो वहाँ से ये बात सामने आई कि वहाँ पर जो वायरस सामने आया है वो डेल्टा वेरियंट से मुख्तलिफ है। कोरोना का मेन वायरस है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ, जब उसका तफसीली साइंटिफिक तजिया किया गया तो उसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। अब चूंकि ये तेज़ी से फैल रहा है और साउथ अफ्रीका में केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो ये गुमान किया जा रहा है कि अब ये वायरस यकीनन पूरी दुनिया में फैलेगा। जब पूरी दुनिया में फैलेगा तो पूरी दुनिया में इसके केसेस सामने आएंगे, जब इस पूरी दुनिया में इसके केसेस सामने आएंगे तो उस वजह से दोबारा से लॉकडाउन और इस तरह के मसले मसाइल सामने आ सकते हैं, ये पेशगोई की जा रही है। अलबत्ता अभी तक ये वाजे हमारे पास हकायक नहीं है कि ये डेल्टा वेरिएंट से कितना सख्त अलामत पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी तक जिन मरीजों में इस वायरस की तस्दीक हुई है वो लोग थे जो थकावट के साथ और सर में दर्द के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और उनमें बड़ी हल्की नोयत की बीमारी सामने थी। तो अगर तो इस पैटर्न को देखें तो इम्कान इसी बात का है कि डेल्टा वेरियंट के बाद आने वाले इस ओमिक्रॉन वेरियंट की वजह से भी हल्की नोयत की बीमारी ज़्यादा होगी। और हाँ, बीमारी लगेगी ज़्यादा लोगों को, लेकिन हल्की हल्की शिद्दत की होगी और इसमें ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं होगी। अगले 2-3 हफ्तों में ये बात इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगी। कोरोना वायरस के हवाले से नई अपडेट्स और मुसद्दका बातें, मुसद्दका खबरों के बारे में जानने के लिए मेरे पेज और मेरे सोशल मीडिया लिंक से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आप तक असल हकायक पहुँचाएंगे आसान उर्दू अल्फाज में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।